ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग। सो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए इसके लिए एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए। एंड गाइस इस पोस्ट के लिए भी यार मेरे को काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके लिए एक वीडियो बनाकर दे ही देते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अगर आपको ऐसी फोटो एडिट करनी है तो गाइस आपको जो ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी, एंड जिसमें मैं जो भी बैकग्राउंड पीएनजीज यूज करूंगा सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज आपको जाना ऐड फोटो में, गाइज यहाँ से ऐड करना आपको अपने मॉडल को, यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। गाइज मॉडल का ऐड जो है मैंने कटआउट पहले से कर रखा है, तो गाइज जिसको कटआउट करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लेना। एंड गाइज चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज जब आप अपने मॉडल को ऐड कर लोगे तो आपको कुछ स्टाइल साइज रखना है, उसके बाद आपको फोटो को डन कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है एक फ्लैग का पीएनजी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको साइज़ को जिस तरीके से रखना है, ठीक है, तो साइज इतना रखना है। एंड जो फ्लैग है गाइस ध्यान रखना कि जो फ्लैग आपको बाहर की तरफ ना जाए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में, यहाँ से हम इरेजर टूल में जाएंगे। एंड आप चाहो तो ओपेसिटी यहाँ पे कम भी कर सकते हो, बट हम ऐसे इरेजर टूल में चलते हैं, हार्डनेस फुल कर लेते हैं। एंड उसके बाद पहले नीचे से इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, एंड इतना परफेक्ट है। एंड उसके बाद आप साइज़ छोटा करेंगे थोड़ा, एंड उसके बाद अपनी फोटो को जूम करेंगे, एंड जो फिंगर्स हैं हमारे उनके पास यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेंगे। सो इसको मैं फटाफट करता हूँ यहाँ पे। सो गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे जो है ऐड फोटो में जाना दोबारा से, एंड यहाँ से ऐड करने की विगनेट का पीएनजी। इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ स्टेप से ले आना है, इसका फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से रखना है, एंड इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसको कट लेते हैं डन, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी फोटो को जो यहाँ पर सेव कर लेना है, एंड इसको सेव करके आपको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, जो कि गाइस हमारा मेन पार्ट है इस फोटो का, तो लेकर चलते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। तो लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे कम करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको हल्का सा कम करना है, एंड जो शेडो है इसको भी हल्का सा कम करना है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे वाइट, आपको उसको भी कम करना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम करना है। फिर जाना आपका कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो जो टेम्परेचर इसको कम करना है, एंड जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको मैनेज करना है, ल्यूमिनस जो है आपको बढ़ा देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको ये करना है, आपको जाना से येलो कलर में आपको सैचुरेशन माइनस करना है, जो ग्रीन कलर इसका भी सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। एंड उसके बाद जाना आपको डार्क ब्लू में आपको इसका भी ह्यू थोड़ा सैचुरेशन माइनस करना है, उसके बाद कर देना है डन। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है इस टाइप से। एंड इतना करने के बाद आपको नीचे करना है, आपको जाना है ऐसे ग्रेन माउंट बढ़ा देना थोड़ा, फिर जाना आपको नीचे वाले टूल में। फिर नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नॉइज रिडक्शन आपको उसको बढ़ाना है, एंड जो फोटो में जो कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करूँगा अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आप सभी ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।